राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भोपाल विभाग के इस शालेय कार्य के प्रकट उत्सव के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय प्रांत संचालक श्रीमान अशोक जी, इस विभाग के माननीय विभाग संचालक डॉक्टर राजेश जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने डॉक्टर कैलाश राव जी, जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने अनुभव हम सबके बीच में भी साझा किए। भारत का भविष्य गढ़ने के लिए अपने नौनिहालों को यहाँ शारीरिक प्रदर्शन करते हुए देखने आने वाली मातृशक्ति, सभी नागरिक बंधुओं और वरिष्ठ स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधु और छोटे छोटे बाल स्वयंसेवक, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा मनमोहक प्रदर्शन हम सबके सामने किया है। आज हम सब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो चलने वाली शाखा है, उस शाखा पर जो स्वयंसेवक अभ्यास करते हैं, जो शारीरिक कार्यक्रम करते हैं, उन शारीरिक कार्यक्रम का यहाँ पर सामूहिक रूप से बहुत ही अच्छे प्रकार से, मनमोहक प्रकार से जो प्रदर्शन किया, उसको हमने देखा। यह जो प्रदर्शन है, यह केवल ऐसे ही नहीं आता, इसके लिए प्रतिदिन शाखा जाना होता है और उस शाखा पर अभ्यास करना होता है। और इस अभ्यास की जो हमने विशेषता देखी कि इसमें कुछ स्वयंसेवक बहुत अच्छे होंगे, कुछ स्वयंसेवक थोड़े से कमजोर होंगे, लेकिन जब प्रदर्शन का महत्व होता है वो सामूहिकता का होता है। इतनी बड़ी मात्रा में और इस प्रकार के चंचल स्वभाव के बाल स्वयंसेवकों के द्वारा यह प्रदर्शन निश्चित ही एक अभ्यास की पराकाष्ठा है। और अगर अभ्यास करते हैं तो इससे भी आगे हम जा सकते हैं। कभी कभी ध्यान में आता है कि ये अभ्यास हम करते क्यों, इन अभ्यासों से होने क्या वाला है। तो सुपरसोनिक विमान को जो चलाने वाले पायलट थे, उनका अभ्यास चल रहा था। अभ्यास इतना कठिन कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। 3 घंटे बिना रुके, बिना थके, लगातार उनका अभ्यास प्रतिदिन चल रहा था। उस अभ्यास को पत्रकार बंधुओं को जब जानकारी लगी तो पत्रकार बंधु ने भी जानने की इच्छा व्यक्त की और उस प्रदर्शन को, उस अभ्यास को देखने के लिए पत्रकार बंधु कमांडर से अनुमति लेकर वहां पर पहुंचते। 3 घंटे चिलचिलाती धूप में कठोर परिश्रम और उस परिश्रम के पश्चात 10 मिनट का विश्राम। 10 मिनट के विश्राम में कमांडर ने सबको निर्देश दिया कि सामने ये मटका रखा हुआ है, आपको आना है, मटके को प्रणाम करना है, मटके से अनुमति लेना है कि मैं आपके जल का सेवन कर सकता हूं क्या,
अनुमति लेने के बाद कुछ समय रुकना है, उसके बाद आपको जल को ग्रहण करना है। एक एक करके सैनिक आ रहे थे, कमांडर आ रहे थे, पायलट आ रहे थे, जल के मटके को प्रणाम कर रहे थे, उनसे अनुमति मांग रहे थे, थोड़ा देर रुककर जल ग्रहण कर रहे थे। अभी जो पत्रकार है इसको बड़ी हंसी आई कि ये क्या कर रहे हैं, जल से भी अनुमति मांग रहे हैं और उसके बाद भी थोड़ी देर रुक रहे हैं। ऐसे ही करते करते एक सैनिक को भी, एक पायलट को भी हंसी आ गई। पूरी प्रक्रिया होने के बाद उन्होंने उस पायलट को बुलाया और कहा कि जो तुम हंसी हंस रहे थे उसको थूको, उसको थूको यहां पर। और सुपरसोनिक का पायलट वो वहां पर थूकता है। कमांडर कहते हैं इसे जूते से डांस करो, इसके ऊपर नृत्य करो, इसके ऊपर। सैनिक उस पर नृत्य करता है। ये दृश्य पत्रकार देखता है। पत्रकार बाद में पूछता है कि आपने ये प्रक्रिया क्यों की, आपने उसको थुकाया क्यों और यह सारी प्रक्रिया आपने क्यों की। उन्होंने कहा ये 3 घंटे के अथक परिश्रम के पश्चात हम सबको पता है कि आपको प्यास लगी है। हम जिस चीज का अभ्यास कर रहे हैं उससे अभ्यास के साथ साथ शारीरिक अभ्यास के साथ मानसिक नियंत्रण भी हमको चाहिए और हमारे किए हो जाने वाले किसी भी कृत्य पर हमको हंसी या व्यंग नहीं आना चाहिए। इतनी मन की एकाग्रता, अनुशासन, यह बनाने का काम यह नित्य अभ्यास से आता है। तो यह नित्य अभ्यास ये हमारे अनुशासन का निर्माण करने के लिए है। संघ में हमने मनुष्य निर्माण का कार्य किया है, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक कहते हैं। वही स्वयंसेवक जिसको स्वामी विवेकानंद ने मेन विद द कैपिटल M यानी एक लक्ष्य से संधारित व्यक्ति, इस प्रकार का निर्माण करने का कार्य आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने हाथ में लिया है। आज हम कह सकते हैं कि आज नर नहीं है तो नर नहीं वानर है। आप कहेंगे वानर क्या, स्वभाव क्या होता है, तो मैं आज सवेरे का एक उदाहरण मेरे सामने आया। मैं अभी कन्नौज जिले में एक कन्नौज के पास एक अभ्यारण्य में था, तो एक रात्रि को भोजन पैकेट सब परिवार से एकत्रित किए और एक पैकेट गलती से जीप कार के ऊपर रखा हुआ छूट गया। वहां पर देखते हैं कि एक बंदर आता है और कम से कम 20 रोटियां वहां रखी हुई थी और बंदर जो है गपा गप गपा पर रोटी खा रहा है। मैं घूम रहा था देखा तो उसका मुंह यहां तक भरा गया है, उसे खाने की नहीं बन रही है, उसके बावजूद भी वो खा रहा है और दूसरा बंदर उसको मार के भगा रहा है, उसको भगा रहा है, उसको आने नहीं दे रहा पास में। जब मुझे लगा तो मुझे लगा कि अरे उस बंदर को भी कुछ मौका मिलना चाहिए, इस मन से मैंने एक डंडा उठाया और उस बंदर को भगाया। तो वो बंदर जो भागते भागते जितने मुंह में गया, वो मुंह में एक हाथ में दो हाथ में ऐसे रोटी पकड़ के वो सब लेकर भागा। आज कहीं हम देखते कि हमारा भी स्वभाव, इसकी भी ले लो, उसकी भी लूट लो, लो सब ले लो और लेकर हम उपयोग नहीं कर सकते उससे अधिक भी, उपभोग नहीं कर सकते उससे अधिक भी एकत्रित करके रखना, यह स्वभाव बनता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि हम वानर के प्रकार का स्वभाव हमारा होता जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसी नर पशु को, अगर नर को हम कहें तो ये 4 प्रकार की परिभाषा हो सकती है। एक नर पशु, एक नर, एक नरोत्तम और एक है नारायण। तो यह संघ की जो प्रक्रिया है यह नर से नारायण बनाने की एक प्रक्रिया है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उद्देश्य है। नर अगर करनी करे तो नारायण बन जाए, अगर मनुष्य के अंदर
जो कुछ सामाजिक गुण होना आवश्यक है। ये जो सामाजिक गुण है, ये सामाजिक गुण ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त प्रदान करते हैं। और ये जो सामाजिक गुण है, यह सामाजिक गुण उसके जीवन मूल्य कहलाते हैं। हम अगर ध्यान में रखेंगे तो श्रद्धा, सत्य, साहस, शील, समर्पण, सेवा, शांति, स्वाध्याय, दया, दान, त्याग, बलिदान, उद्यमिता, अहिंसा आदि जो प्राचीन काल से जो गुण हैं, ये गुण आज भी समाज में आदरणीय है, सम्माननीय है। जो इन गुणों का पालन करता है वो समाज में एक सम्माननीय स्तर को प्राप्त करता है। तो यह जो जीवन मूल्य है, यह जीवन मूल्य कभी बदलते नहीं, यह काल सापेक्ष है, यह शाश्वत है, यह सनातन है, यह चिरंतन है, यह किसी परिस्थिति में बदलते नहीं है। अगर हम हो सकता है कि इसके जो प्रकट करने का स्वरूप है वो प्रकट करने का स्वरूप बदल जाए, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन यह जीवन मूल्य नहीं बदल सकते। और यह जीवन मूल्य वही है जो आज है, कल है और भविष्य में भी रहेंगे। तो यह जीवन मूल्य शाश्वत है। जिस प्रकार से लकड़ी का स्वभाव है, वो किसी भी प्रकार की हो, गोल हो, मोटी हो, लंबी हो, किसी भी प्रकार की हो, वो लकड़ी जब जलेगी तो वो अग्नि का तत्व ही देगी। उसी प्रकार से जल है, जल का एक स्वभाव है। जल को अगर छोटे बर्तन में रखे, बड़े बर्तन में रखे, तो भी वो स्वभाव नहीं बदलता। उसी प्रकार से मूर्ति किसी भी आकार, प्रकार, रंग रूप की हो, उसकी जो मूर्ति की जो चैतन्यता है वो चैतन्यता नहीं बदलती। उसी प्रकार से जो जीवन के मूल्य हैं, वो जीवन के मूल्य काल सापेक्ष हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, यह जीवन मूल्य नहीं बदलते। यह जीवन मूल्य ही जो है मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन मूल्यों को ग्रहण करते हैं तो हम एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक और धीरे धीरे नरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो गुण है मनुष्य के अंदर जो रहने वाले सामाजिक गुण है, यही गुण उसके जीवन मूल्य कहलाते हैं। लेकिन आज कमोबेश हमारी स्थिति क्या है, हम इन जीवन मूल्यों को छोड़कर कहते हैं कि जो पेड़ की जड़ को अगर जल देन पत्ता पानी देना है, उसके बजाय उसके पत्तों को जल देना जैसा है। हम गुण तो चाहते हैं लेकिन उसका तरीका हम क्या खोजते हैं। तो एक सेठ था, उसने जीवन भर जो है वो खूब अंधाधुंध कमाई किया, गलत तरीके से, किसी को झूठ सच बोलकर, किसी की जमीन हड़प कर, ऐसे उसने खूब पैसा बनाया। पैसा बनाकर वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगा। बच्चा जो है वो पढ़ने जाता था। कहते हैं ना कि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो बच्चा भी जो है वो पिताजी से पैसा लेता है, कभी स्कूल जाता, कभी स्कूल नहीं जाता, कभी स्कूल के नाम पर पिक्चर देखने चला जाता, कभी स्कूल के नाम पर दोस्तों के साथ पिकनिक कराने चला जाता, कभी होटलबाजी करने जाता, कभी नशा करने चला जाता। एक दिन पिताजी ने पूछा कहाँ गया था, तो कहा विद्यालय गया था, पढ़ने के लिए गया था। पिताजी को गुस्सा आया और पिताजी ने उसकी छड़ी उठाई और उसकी दम 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 करके खूब सुताई कर दी। जब वो पीट रहा था, पड़ोसी को लगा करिए तो मार देगा। तो पड़ोसी आया, उनने उनको समझाया, उनको रोका और उस बच्चों को माता के सामने देते हुए कहा कि चलो मेरे साथ चलो। अब जो सेठ है उसको पड़ोसी सज्जन अपने साथ लेकर पास में एक बगीचा था, बगीचे में लेके जाकर बैठ गए। वो सेठ फूट फूट के रोने लगा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, यहां तक कि मेरे घर में ये सारी संपत्ति को आग लगाना भी पड़े तो मैं आग लगाने को तैयार हूं, लेकिन मेरा बच्चा अच्छा बने। अब हम कल्पना कर सकते हैं
जीवन भर हमने जो कमाई की है उस कमाई का स्रोत कैसा है, और आज हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छा और श्रेष्ठ नागरिक बने। तो ये सभी संभव है जब हमको अपना आचरण व्यवहार के साथ साथ बच्चे के संस्कार को भी सोचना पड़ेगा कि हम जो अपना आचरण कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। एक बार एक माता पिता अपने बच्चे को होटल के लिए लेकर गए कि आज चलो वहां पर जाके, आज से केरवा डैम है, केरवा डैम पर एक अच्छा सा होटल बना है उसमें खाने जाएंगे। वो लेकर चले, उन्होंने अपनी जो बूढ़ी माँ है उस माँ को, वो माता पिता अपने पास में एक मंदिर था उस मंदिर में जाकर छोड़ के आ गए कि वहाँ भजन कीर्तन चल रहा है, माताजी वहाँ भजन कीर्तन करिए और भंडारा भी का भी व्यवस्था है, तो भंडारे में प्रसाद खा के आइए, तब तक हम लोग घूम के आते हैं। ये लोग घूमने चले गए, उधर से बच्चा लौट के आ रहा था, बच्चे के मन में एक प्रश्न का, उसने कहा पिताजी पिताजी, उन्हें क्या कि मैं भी एक अपने घर के पास, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और घर के बहुत पास में एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा। तो माता पिता को बड़ा अच्छा लगा कि हमारा पुत्र कितने अच्छे संस्कार है जो कह रहा है कि मेरे घर के पास में एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा। तो पिताजी की जिज्ञासा हुई कि क्यों तुम्हारे मन में ये प्रश्न क्यों आया कि बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा अपने घर के पास? क्योंकि पिताजी मैं भी जब बड़ा होऊंगा आपकी बहू के साथ, मैं अपने आपके पोतों के साथ जब घूमने जाऊंगा तो आपको भी भंडारा खाने के लिए दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए मैं आपको एक पास में मंदिर बनाऊंगा। अब सोचिए हम जीवन में क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो बच्चा जो संस्कार हमारे प्रत्यक्ष जीवन से जो देखता है वो ही वो ग्रहण करता है। इसलिए अपना आचरण व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हम आने वाली भविष्य को की पीढ़ी को देखना चाहते हैं। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक माताजी आई और माताजी ने कहा कि जो मेरा बच्चा है ये गुड़ बहुत खाता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ठीक है माताजी, आप 15 दिन बाद आइएगा। माताजी जो है वो रामकृष्ण की शिष्या थी, वो अपने बच्चे को लेकर चली गई, 15 दिन बाद वापस आई। 15 दिन बाद जब माताजी आई, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि माताजी अभी तो नहीं, अब आप 8 दिन बाद आइएगा, तब मैं आपके बच्चे से बात करूंगा। माताजी फिर 8 दिन बाद भाई अपने बच्चों को लेकर आई। जब बच्चे को लेकर आई, रामकृष्ण परमहंस ने उस बच्चे को बिठाया पास में और बच्चे के पास में बिठाकर उस पे सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से जो है दांत खराब होते हैं और ज़्यादा मीठा हमको नहीं खाना चाहिए। बच्चे ने कहा ठीक है गुरुजी, अब से मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। माताजी को आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव को क्या हो गया, एक छोटी सी बात गुरुदेव पहली बार भी बोल सकते थे, लेकिन पहली बार नहीं बोले, दूसरी बार नहीं बोले, तीसरी बार नहीं बोले, उसके बाद बुलाया फिर बताया। रामकृष्ण से जब पूछा कि स्वामी जी आपने ये ऐसा क्यों किया, इतने दिन बाद बताया, पहले दिन भी बता सकते थे, तो नगर माते ये जो गुड़ खाने का स्वभाव है ये मेरा स्वयं का स्वभाव था, पहले मुझे अपने उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी मैं किसी को प्रवचन दे सकता हूँ, तभी वो मेरी बात स्वीकार कर सकता है। तो हमको अपने बच्चों को गढ़ना कैसे है, हमारे बच्चों को बनाना कैसे है, क्योंकि ये बच्चा ही भारत का भविष्य है।
हम जैसा भारत चाहते हैं, जैसा देश समाज चाहते हैं, देश जैसा हम अपने पड़ोसी चाहते हैं, वैसा हमको अपने बच्चों को बनाना पड़ेगा। उन बच्चों में संस्कार हमारे आचरण और व्यवहार से आने वाले हैं। यह एक बार स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना थी। स्वामी विवेकानंद जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी चीज देखकर इनको भी लगता कि यह मुझे मिलना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी भी रोज खिड़की से देखते थे कि घोड़े वाला जो है वो तांगे वाला टक 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 घोड़े लेके जाता है, घोड़े को दौड़ाता है, घोड़ा दौड़ता है, बाकी लोग उसके पीछे बैठते हैं। आते जाते वो देखते, उनको बड़ा अच्छा लगा। देखते देखते उनके मन में आया, माँ मैं जो है ऐसा घोड़े वाला मैं भी बनूंगा। बच्चे के मन में क्या आया, ये घोड़े वाला मैं बनूंगा। माता को दृष्टि थी, माता ने कहा हाँ बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही घोड़े वाला बनना है, लेकिन कैसा बनना है उसको पकड़ कर लेकर आए और अपने कक्ष में भगवान श्री कृष्ण का सारथी के रूप में वो चित्र दिखाया कि अगर तुझे बनना है तो इस भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी तुझे बनना है, ऐसा घोड़ी तांगा चलाने वाला बनना है। और हम देखते हैं कि माता के दिए हुए संस्कार से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने, माता के दिए हुए संस्कार से हम जिनका 350वां साम्राज्य दिवस मना रहे हैं, छत्रपति शिवाजी माता जीजाबाई की गोद में खेलकर वो शिवाबा छत्रपति शिवाजी बने। माता को यूं ही प्रथम पाठशाला नहीं कहा, प्रथम गुरु नहीं कहा है। तो हम परिवार में जैसे संस्कार देते हैं, देना चाहते हैं, वह हम अपने परिवार से ही बच्चों में प्रारंभ कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसने 1925 से एक कार्य को जना, वह है व्यक्ति निर्माण। यानी हम व्यक्ति को निर्माण करेंगे, और व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे पहली जो हमने साधन प्रारंभ किया वो हमारी एक घंटे चलने वाली शाखा। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने छोटे छोटे बाल स्वयंसेवकों को लेकर संघ का कार्य प्रारंभ किया। वो जानते थे कि ये बालक ही ये भविष्य को, भारत के भविष्य को गढ़ सकते हैं। उन बच्चों को लेकर संघ का काम प्रारंभ किया। कई बार तो ऐसा कहते थे कि डॉक्टर साहब ये छोटे छोटे बच्चे लगता है डॉक्टर पागल हो गया, इन बच्चों को संगठित करेगा और उनके बल पर देश में परिवर्तन करेगा। आश्चर्यजनक। लेकिन ये जो छोटी से चलने वाली शाखा है, ये शाखा ये चरित्र निर्माण का मूल मंत्र है, ये व्यक्ति निर्माण का मूल मंत्र है, ये देशभक्ति का मूल मंत्र है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये छोटे बालक 5 तारीख रात्रि से यहां पर है, कल रात्रि कितना उधम किया होगा इनने। आपके घर में चुप के बैठ सकते हैं क्या? 4 बालक मिल जाएंगे तो वो चुप नहीं बैठ सकते। लेकिन आज प्रदर्शन देखकर आप समझ सकते हैं कि मेरा कितना चंचल बालक आज कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये संघ का अनुशासन। कभी इन्होंने घर में अपनी थाली नहीं उठाई होगी, उस थाली को उठाकर धोया नहीं होगा। और दूसरी बात, आप सवेरे सवेरे इनको जबरदस्ती ठंड के दिन में उठ जा धक्का मार के भी, कभी कभी तो कंबल रजाई खींच के भी इनको उठाते होंगे तो भी नहीं उठते होंगे। मम्मी आज तो सो जाना, माँ आज तो सो जाने दे, थोड़ी देर, आज तो स्कूल रविवार है ना, आज तो थोड़ी देर से जाऊंगा, आज तो जाना ही नहीं है स्कूल, तो क्यों उठा रही हो। ये बालक सवेरे 5 बजे 5:30 बजे उठकर कार्यक्रम करने के लिए तैयार हो गए। ये संघ का अनुशासन है। संघ के अनुशासन से सीख से कर कैसे चरित्रवान युवक बनते हैं। मैं जब झारखंड में प्रचारक था तो एक संजीत नाम का युवक
उसके संपर्क में वो कॉलेज में BIT मेसरा में इंजीनियरिंग करने के लिए वो रांची चला गया था। उसके भाई भी संघ की शाखाओं में आते थे, उनका परिवार पूरा, उनके पिताजी कट्टर कांग्रेस, संयोग से सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था। अब पिताजी तो जाना नहीं जान देना चाहते थे शाखा पे, तो पिताजी ने कहा कि अगर शाखा 5:30 है, तुम 5:30 जाते हो तो उससे पहले 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा। संजीत जो है सवेरे 4:00 उठता था, मुंह कान धोता था, 1 घंटे पूरी पढ़ाई करता था और 5:30 उठ के शाखा जाता था। अब पिताजी और क्या रोक लगा सकते, उनकी तो क्या भाई पढ़ना चाहिए तुम्हें, वो पढ़ रहा है। संजीत इंजीनियर बन गया, इंजीनियर करने के बाद TCS में कोलकाता में नौकरी करने लग गया। नौकरी करने के बाद उसका विवाह हुआ, विवाह हुआ तो पत्नी से बातचीत हुआ, तो जब पत्नी से बातचीत हुआ तो वो चूंकि अब मेरे से थोड़ी सी उम्र में कम था, लेकिन एक मित्र हुआ तो उससे जब बातचीत हुई तो उन्हें कहा कि भाई साहब जो उनकी पत्नी आई हजारीबाग में तो मेरा मिलना हुआ, बातचीत हुआ, परिचय हुआ, तो वो तो बातचीत में उन्होंने बताया कि हमने आपस में जब बात किया, पहला परिचय हमारा पति पत्नी का हुआ, तो मैंने कहा देखो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ के स्वयंसेवक की एक समस्या है। समस्या क्या है कि जो प्रचारक जो है ना वो जब भी आएंगे उनको तुम्हें भोजन कराना पड़ेगा और जितने लोग आएंगे उतने लोगों के साथ भोजन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो उन्होंने कि मेरी भी आपसे कुछ प्रश्न है, तो उन्होंने कि आप ये बताइए कि आपकी कोई महिला मित्र रही है या आप कोई नशा करते थे, ऐसा कुछ सब प्रश्न किया उन्होंने जैसे एक लड़की करती है। तो संजीत कहता है कि मैं जब छोटे से संघ की शाखा में जाना लग गया, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो संघ की बैठकों में जाना लगा, वहाँ बड़े बड़े लोग, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, कोई प्रधानाचार्य, कोई वकील साहब, ऐसे लोग बैठते थे, मैं उनके साथ बैठता था, लगता था कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ और मैं ऐसा गलत काम करूँगा। तो ना मैंने संघ, सवेरे उठता था शाखा जाता था, शाखा के बाद संघ के कार्यक्रम और संघ के कार्यकर्ताओं परिचय संपर्क और पढ़ाई, इसके अलावा तीसरी दुनिया तो मैंने देखी ही नहीं। इन्हें एक व्यक्ति जब संघ से जुड़ता है तो उसका चरित्र कैसा बनता है वह हम सबको ध्यान में आता है कि एक शाखा से जुड़ने वाला युवक देशभक्त, चरित्रवान, समाजभक्त और यह कह सकते हैं कि परिवार का ठीक से पालन करने वाला भी एक बन सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, मैं सारंगपुर में जब तहसील प्रचारक था तो एक मंद बुद्धि, मुझे थोड़ा सा बोलने में बुरा लग रहा है, लेकिन एक मंद बुद्धि बालक था, उसका नाम था उमेश, शायद ग्वालियर में अब रहता होगा, मुझे बहुत लंबा समय हुआ मुझे मिले उससे। तो उसकी बुद्धि भी बहुत कम चलती थी, लेकिन वो उसके माता पिता उसको शाखा में भेजने लग गए। वो शाखा जाता था, शाखा जाते जाते सब शाखा लोग उसके साथ प्रेम से रहते थे और वो 10वीं में 3 बार फेल हो गया था और जो छोटे छोटे बालक थे उसको बोलते उमेश जी, तो उसको बहुत अच्छा लगता था कि मुझे सम्मान से सब लोग तो मुझे चिढ़ाते हैं, डांटते हैं और यहाँ शाखा पे आते तो मुझे उमेश जी बोलते। वो उमेश जी जो मंद बुद्धि बालक था वो संस्कृत की प्रार्थना बोलने सीख गया, वो संघ के कई गीत सीख गया। जब हम उसके घर पर जाते थे उसके माता पिता प्रसन्न होते थे कि हमारा बालक जो है संस्कृत की प्रार्थना बोलता है, गीत बोलता है। और इतना ही नहीं तो वो जो संघ की पुस्तकें लेके जाता था हमसे, वो पढ़ता भी था और पढ़कर एक डायरी में उसको लिखता था। तो जो 10वीं में 3 बार फेल हो चुका बालक भी धीरे 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 इस प्रकार से एक विकसित बालक के रूप में आ गए। तो संघ की शाखा उस बालक को क्या बनाती है, ये उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो ये संघ जो है ये छोटे छोटे बालकों को एक अद्वितीय नागरिक भारत का बना सकता है, इसके उदाहरण हम सबको ध्यान में आते हैं।
खेल खेल में बालकों के अंदर कौन से गुणों का विकास होते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। एक बालक था, कमजोर सा था, उसके माता पिता उसको हाथ पकड़कर शाखा में लेकर आए। एक दिन शाखा में लेकर आए, दूसरे दिन वो स्वयं आने लगा, माँ मुझे भी शाखा चलना है। दूसरे दिन माँ भी ले गई, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन उन्होंने कहा कि हमारा बालक थोड़ा कमजोर भी है और हिम्मत भी नहीं है इसके अंदर। शाखा में खेल खेलने लगे। खेल खेल में खेल था शेर बकरी। आपको पता होगा, आपके बच्चों से पूछेगा शेर बकरी कैसा होता है। एक गोला बना लेते हैं, ऐसा गोला बनाना, ऐसा गोला बना लेते हैं, उसके अंदर जो है सारे स्वयं से खड़े हो जाते हैं और एक को कहते हैं तुम शेर हो और इनमें से बकरी को पकड़ पकड़ के लेके आना। वो जाता है और अगर तुम के अंदर जाओगे तो तुमको सबको मुक्का मारेंगे। और वो स्वयं से जाता है, धक्का मारते हैं, वो पहले तो एक दो के मुक्के खाता, फिर एक को पकड़ लेके आता, फिर दो आ जाता, फिर तीन आता, धीरे 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 वो पूरे बकरी के झुंड को खत्म कर देता है। पहले दिन उसको लगता है कि अरे एक दो के मुक्के खाने से क्या होता है, शुरू में तो डर लगता है, फिर एक दो मुक्के खाने के बाद मजबूत होता है और धीरे धीरे वो मजबूत होता है। और वो बालक भी उस शाखा में खेल खेलने लगा कि मैं भी शेर बनूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ बन, तो उस बालक को भी शेर बनाया। बालक शेर बना तो पहले डरता डरता घुसा तो एक दो मुक्के पड़ा तो फिर भागा। तो फिर हमारे शिक्षक को ध्यान में था कि ये डरता है, तो एक ऐसा उसके साथ जोड़ दिया। अब दोनों ने मिलकर फिर पकड़ पकड़ के सबको निकाला। उसको लगा कि मैं शेर बन सकता हूं। उसके अंदर एक साहस का भाव आ गया और वही बालक एक साहसी युवक बनकर निकल गया। तो संघ की शाखा ये जो है, ये व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास इस प्रकार के कर देती है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे युवकों का निर्माण करने का एक जो साधन है वो हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक घंटे चलने वाली शाखा है। मैं आप सभी माता बहनों से निवेदन करता हूँ, सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी के, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को आग्रह पूर्वक संघ की शाखा में बने। अगर भारत का श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, श्रेष्ठ पुत्र बनाना है, श्रेष्ठ युवक बनाना है, तो उसको संघ की शाखा में जरूर भेजें। संघ 1925 से चल रहा है। आज अगर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा अशासकीय सामाजिक संगठन है, कह तो सकते हैं, और सारे आंकड़े भी हैं, लेकिन संघ बड़ा होने के लिए है क्या? नहीं, संघ बड़ा होने के लिए नहीं है, संघ समाज को बड़ा करने के लिए है। संघ समाज में संगठन नहीं है, समाज का संगठन है। आज 2025 में संघ 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है, लेकिन संघ का उद्देश्य अजर अमर होना नहीं। जिस प्रकार से एक अगरबत्ती जलकर सारे वातावरण को सुगंधित कर देती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में चरित्र, देशभक्ति, अनुशासन, समरसता, समानता और साहस की खुशबू देकर अपने आप को समाप्त करने का, समाज में विलीन होने का लक्ष्य लेकर चला है। आज जिस संघ को पंडित नेहरू ने 1947 में कहा था कि भारत के एक इंच भूमि पर इस सेफरन, इस भगवा झंडे को फहराने नहीं दूंगा, और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या का झूठा आरोप लगकर जो कानून में कहीं भी साबित नहीं कर पाए, आयोग उन्होंने बनाए वहां पर भी वो साबित नहीं कर पाए, उनके न्यायालय में भी साबित नहीं कर पाए, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसकी देशभक्ति, उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर 1963 की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित करते हैं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो है जो 1925 से देशभक्ति की भावना, निस्वार्थ भक्ति की भावना निर्माण करने का कार्य लगातार चल रहा है। आज हम 1,75,000 सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति, जिसके पास किसी भी प्रकार का साधन संसाधन नहीं है, उसको भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्नशील है। देश में जब भी किसी प्रकार की आपदा, विपदा, दुर्घटना, बाढ़ आते हैं, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का स्वयंसेवक बिना किसी स्वार्थ के अपना तन मन धन लगाकर
उस सेवा के कार्य में तत्पर तैयार खड़ा हो जाता है। आज शाखा के बल पर हमने जो शाखा में खेल खेलते, अब तो वो खेल लगभग बंद हो गया है। बंद इसलिए हो गया कि जो खेल का लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया। खेल खेलते थे, एक छोटा सा निशान बना रहते थे और शिक्षक उस पर पैर रखते थे, पैर रखते के रख के बोलते थे ये कश कि मैं 3 बार नारे लगाऊंगा, उसके बाद इस पैर पे इसका जिस पर पैर रहेगा वो जीतेगा। नारा क्या था, ये कश्मीर किसका है, तो सब लगाते थे नारा हमारा है हमारा है हमारा है, ये कश्मीर किसका है हमारा है हमारा है हमारा है। ये 3 बार नारा लगाने के बाद शिक्षक जब पैर हटाते थे तो स्वयं आपस में संघर्ष करते थे, ये उधर मुंह घुमा लेता था, 10 तक संख्या होती थी, उसके बाद देखते थे कि आपस में संघर्ष करने के बाद एक का किसी का पैर वहां पर टिका है, बाकी लोग उसको धकाने की कोशिश कर रहे हैं। भाव क्या था, ये जो कश्मीर है ये भारत का अभिन्न अंग है। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छोटी सी चलने वाली शाखा में सामान्य नागरिक के बीच में एक भाव को भरा कि कश्मीर प्राण दे देंगे लेकिन कश्मीर नहीं देंगे। आज हम कह सकते हैं, जो कह सकते थे अगर धारा 370 हटी तो ये कश्मीर भारत का अंग नहीं रहेगा। आज शाखा पे चलने वाले इस खेल के कारण आज धारा 370 भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और आने वाले समय में जो पाकिस्तान डर के बैठा हुआ कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी कहीं ना कहीं भारत जो संकल्प लिया संसद में पास किया वो भी एक दिन हम प्राप्त करके रहेंगे। आज संघ के कारण 1949 में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो आंदोलन था श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का। पांच सौ वर्षों तक उस गुलामी के ढांचे को हम अपने माथे पर लेके बैठे रहे और बार बार अपमानित महसूस करते रहे कि हमारे जो रामचंद्र जो घर घर में हर मन मन में भारत के क्षण क्षण में कण कण में राम जी हैं, वो राम लला का जो मंदिर है जहां उनका जन्म स्थान है वहां पर बाबर का ढांचा खड़ा हुआ है। हिंदू समाज जागा, वो ढांचा समाप्त हुआ। हिंदू समाज ने संघर्ष किया, बलिदान दिए, आवश्यकता पड़ी तो कानूनी लड़ाई लड़ी और उस ढांचे को प्राप्त किया। आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि 22 जनवरी 2024 को हम रामलला को पुनः प्रतिष्ठित होते हुए उस भव्य दिव्य मंदिर में होने देखने वाले हैं। तो यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वर्षों से चलने वाले कार्य हैं उसका परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष ने अमृत काल मना रहा है। यह अमृत काल भारत के स्वर्णिम भारत गढ़ने का काल है और इस सबकी जिम्मेदारी हम सबकी है। आने वाली पीढ़ी को हमको अभी से तैयार करना पड़ेगा, हमारे घरों को संस्कार का केंद्र बनाना होगा, हमारे जो महापुरुष हैं उनके गौरवगान को अपने घर घर में हमको सुनाना पड़ेगा। हमारे जो बच्चों को हम जो पोगो और तोगो की जो कहानियां सुनाते हैं उसकी बजाय हमारे जो महापुरुष हैं उनके जीवन से परिचय करना पड़ेगा। अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, उनके प्रति गर्व का भाव हम सबको गढ़ना पड़ेगा। तब हम अपने धार्मिक संस्कारों में जो आज फुहड़ता आ गई है, जो विकार आ गए हैं, उन विकारों को समाप्त करके हमको अपने देश को अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाला देश बनाना पड़ेगा। हम अपना देश को कैसा चाहते हैं उसको निर्माण का संकल्प हम सबको आज लेना पड़ेगा। हम सबके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ते हुए आप सब भी समाज को बदलने के लिए, देश को फिर से एक स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हों। अंतिम कविता के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के उपासक, 100 योजन तुम लांग गया हो तुम उसी देव के आराधक, सिंहों के दांत गिने जिसने, तुम उसी वंश के संवाहक जिसकी हड्डियों से वज्र बना, तुम दधीचि के अंशदान जो टूट गया पर झुका नहीं, तुम उस राण प्रताप के स्वाभिमान, तुम पन्ना तुम झांसी
रानी हाड़ी के शिष्यदान, शक्ति में हो वीर शिवा, रविंद्र के हो राष्ट्रगान। दृढ़ प्रतिज्ञ ध्रुव समान तुम, अभिमन्यु का गर्व ज्ञान, विवेकानंद का गौरव तुम, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान। अशफाक उल्ला बिस्मिल सुभाष तुम, भगत सिंह शेखर महान, इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान, इतिहास तुम्हारे गौर कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इस अंतर्निहित अंतबल से का अंतर ज्ञान शुरू होगा, इस अंतर्निहित अंतबल का अंतर ज्ञान शुरू होगा। तारुण्यपात की ताकत से भारत, तारुण्यताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा, भारत विश्व गुरु होगा। सावधान उत्तिष्ठ आक्रम स्वस्थ। सावधान संघ